अब नाभि चक्र जो है, नाभि चक्र का तत्व है धर्म, धारयति साधर्म। धर्म ऐसा नहीं है कि कुछ आप धर्म कर्म कांड करिए, ये करिए वो करिए, कि इसमें कुछ धर्म नहीं। धर्म है अंदर जागृत करें, जिसे हम कहते हैं कि निर्मल विश्व धर्म। ये विश्व का धर्म जो है वो हमारे अंदर जागृत होना चाहिए, जिससे ये कि कोई झगड़ा धर्म को लेकर हो नहीं सकता, ये गलत बात है। पर जब तक ये आपके अंदर जागृति नहीं आती है, तत्व जागृत नहीं होता है विश्व निर्मल धर्म, तब तक मनुष्य अपने अपने धर्म की बात सोचता है। हालांकि उस धर्म में उसका जन्म हुआ, इतनी बस बात है, ये इत्तफाक की बात है, बाकी उसका कुछ धर्म से लेना देना नहीं। पर वो इस कदर उसके साथ एकाकारिता प्राप्त करता है, आइडेंटिफाई करता है कि उस पर झगड़े मार युद्ध दुनिया भर की चीजें। अब वो सोचता है कि धर्म जो है ये लोग जो बताते हैं वही करना चाहिए, जबकि किसी ने कहा कि अच्छा चलो तुम 500 नाम लिखो, बैठे हैं लिख रहे नाम, किसी ने कह दिया कि आप 500 मील चल के जाओ, चले हुए। किसी ने कहा कि अब हज में जो हुआ कि हज में जाओ तो क्या फायदा हो। बात यह है कि सिद्ध ये होता है कि ये बाह्य के धर्म करने से धर्म नहीं होता, धर्म अंदर की चीज है। और ये मनुष्य में जब जागृत हो जाती है तो वो एक असल में धार्मिक मनुष्य होता है, बाह्य में नहीं असल में होता है। वो कोई अधर्मी बात कर ही नहीं सकता, उसके अंदर कोई सी भी अधर्म जो है वो नहीं आता, बिल्कुल जो चीज धार्मिक होगी वही उसे आती। और वो किसी को दुखाता नहीं, तकलीफ नहीं देता, धर्म में जगे हुए। और बढ़ते बढ़ते हम कहते हैं कि वो धर्मातीत हो जाता है, माने ये कि उसी के अंदर जो धर्म है वो ऐसा हो जाता कि वो धर्म के बगैर कुछ कर ही नहीं सकता, जो भी करेगा वो धर्म हो जाता है, जो भी काम करे सो धर्म हो जाता है। उसको कोई चीज पाप पुण्य का विचार करने की जरूरत है, क्योंकि उसके हाथ से कुछ गलत काम हो ही नहीं सकता। तो ये धर्मातीत होना है। अब जैसे स्वादिष्ठान चक्र के लिए, जैसे वी आर वेरी टाइम बाउंड पीपल, हमें घड़ी का बहुत, उससे आप परे हो जाते हैं क्योंकि आप कालातीत हो गए। तो उसमें यह है कि परेशानी, अब जाना है एयरपोर्ट फलाना ठिकाना, हम आराम से बैठे रहते भाई चलो जाना है जाएंगे, अपने टाइम से जाए। देखते क्या है कि हम जब पहुंचे तभी सब चीज शुरू, तो हमने नहीं कुछ किया। पर जो आदमी कालातीत हो गया, मैंने काले ही उनके हाथ में है, तो उनको क्या प्रॉब्लम, मारा आफत बचेगी कि टाइम से चलो, टाइम से आओ, टाइम से होना चाहिए। और फिर उसमें बड़ा मजा आता है क्योंकि टाइम से कुछ होता नहीं वैसे नॉर्मली। इस तरह से मनुष्य धर्मातीत और कालातीत हो जाता है। और अब जो तीसरी चीज है कि मनुष्य के अंदर तीन गुण हैं, कहते हैं आप तो जानते हैं इसके, कि तीन गुणों पे मनुष्य रहता है, रज तम और सत्व, ऐसे तीन गुण है। तो वो गुणातीत हो जाता है, कोई एक गुण नहीं होता उसके अंदर कि भाई वो रज गुण में फंसा हुआ है कि वो फिर तमोगुण में फंसा हुआ है या सत्य गुणों में फंसा हुआ है, कुछ नहीं, उससे परे। तो गुणातीत, तो तीन चीजें हो गई, एक तो आप कालातीत हो गए, दूसरे आप धर्मातीत हो गए, और तीसरे आप गुणातीत हो गए। उससे आगे चले वो सब अतीत हो जाता है। जब ये हो जाता है तो मनुष्य को इतनी शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं कि उसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, कोई अंदाजा नहीं। तो ऐसे लोग जो होते हैं वे जितनी भी पंचमहाभूत हैं उनको कंट्रोल कर ले सकते, वो करते नहीं है पर हो जाता है। उदाहरण के लिए
हमारे एक शिष्य थे बेचारे ऑस्ट्रिया के, बहुत शरीफ आदमी, तो उन्होंने मुझसे बताया कि प्लेन आपका 11:30 बज जाना, और ये प्लेन पे गए वहाँ, उनको पता हुआ कि नहीं ये तो 10:30 बज जा रहा, तो फ़ोन किया कि आप आ जाइए। झटपट हम गए, लेकिन तभी थोड़ी सी देर हो गई, तो वो जो वहाँ लेडी थी एयरपोर्ट पे, उसने 50 मुझे बातें सुनाई, आप VIP लोग ऐसे होते हैं, सबको देर करते हैं, ये वो। अब इसको बड़ा दुख लगा कि मेरी वजह से माँ को इतनी बातें सुनी। तो हम प्लेन में गए, जाके बैठे, तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे। ऐसे वो हैं बहुत पहलवान, लेकिन उस वक्त उनके रहा नहीं गया। तो हमारी एक शिष्या थी, उनके साथ बैठी, कहा आप रो क्यों रहे हैं? मैंने मुड़ के देखा, मैंने कहा आपको क्या हो गया, रोने कौन से क्या जरूरत। तो फिर वो प्लेन वालों ने बताया कि साहब प्लेन तो शायद ही जाए क्योंकि बहुत ख़राब है। और इधर ये रो रहे थे, रोते रोते क्या हो गया कि चारों तरफ से एकदम जैसे कोई बड़े बड़े काले हाथी हों इस तरह के एकदम से बादल छा गए। और एयरपोर्ट पे बहुत सजग भी थे, उन्होंने देखा एकदम से, और अंधेरा छा गया। मैंने कहा देखो ये तुम्हारे आंसुओं का। तो उसके बाद हम नीचे उतर के गए, उनका कि प्लेन तो चलने वाला नहीं। तो इन्होंने उस औरत को पकड़ा कि अब हमें जो हम लेट हुए हैं उसका केस किसको सुनाया जाए। तो वो घबरा गई, तो उसके बाद में वहाँ सभी लोग घबरा गए क्योंकि इतनी जोर की बरसात हुई कि सब जितने भी प्लेन्स थे वो कहा ये नहीं जाएंगे सिवाय एक जिसमें हम लोग जाने वाले थे 5 घंटे बाद। मैनेजर दौड़े दौड़े आए, कहने आपको बाहर जाना तो जाइए, हम कुछ नहीं कहेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। मैंने कहा भाई देखो इनमें इतना अंतर आ गया, और बड़े कम्युनिस्ट विचारों के लोग। पर जब हम लौट के आए तो क्या देखते हैं कि एक साहब खड़े थे, तो वो कहने लगे कि माँ मेरी कमर में बहुत दर्द रहता है, आप हाथ रखेंगे क्या मेरी कमर पे? चलो भाई मैं रखती हूँ। तो आगे आगे चलते पीछे पीछे हाथ रखते चलते, चले ठीक हो गया तो ठीक हो। उसके बाद जब पहुँचे तो वहाँ एयर होस्टेस एक थी, तो उसने कहा मेरे सर में बहुत दर्द होता है माँ, कुछ उसका इलाज आप कर सकते? हाँ बिल्कुल साफ। सो उनका भी इलाज हो गया। तो वो जो एयरपोर्ट है प्रहा का, वहाँ अब भी हमें लोग बहुत समझते हैं कि कोई चीज़ है कर। तो तब परेशान किया। अब ये है कि ये जब आपके अंदर आ जाता है, अब मैंने थोड़ी कहा कि तुम बादल तुम आओ कि बरसात करो कि कुछ नहीं, पर ये अपने आप घटित हो जाता है। जो ये चारों तरफ फैले हुए पंच महाभूत है, इसकी जो सूक्ष्मता है वो पकड़ में आ जाती है, और वो खुद ही इसको इस तरह से बनाते हैं कि जिससे सारा ही वातावरण अलग हो जाता है। कहीं भी देख लीजिए आप कि आप अगर सहयोगी कहीं जाए तो उनकी हर एक चीज इस तरह से पूरी हो जाती है। आप अगर उनसे पूछे तो वो बताएंगे आपको कि वो क्या क्या कैसे कैसे उन्होंने क्या क्या प्राप्त किया, कहाँ कहाँ कैसी चीज़ हुई, कैसे घटित हुआ। क्योंकि हम लोग पैसा नहीं लेते, कोई हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई हमारे यहाँ मेंबरशिप नहीं है, पर सारा एक साथ सारे यूनिजन में जिसको कहते हैं ना, कोई प्लानिंग नहीं कुछ, हम लोग प्लानिंग भी नहीं करते और सब चीज़ घटित होती। तो करने वाले जब बैठे हुए हैं तो आप को प्लानिंग करते हो, चुपचाप बैठे रहो। ऐसी ही चीज है कि जो घटित होती है जब ये धर्म हमारे अंदर जागृत है। फिर कोई अगर अधर्म देखते हैं, जैसे ईसा मसीह, उन्होंने देखा कि बेचारी प्रोस्टिट्यूट आई तो उसको सब पत्थर से मारे थे। अब इनका और प्रोस्टिट्यूट से क्या संबंध, कुछ नहीं, जाके खड़े हो गए, कहने अच्छा आप में से जिसने कोई अधर्म नहीं किया हो वो इसको पत्थर मारे, पर आप मुझे ही पत्थर मारे, मैं खड़ा हो जाता, जिसने अधर्म नहीं किया हो सबने पत्थर नहीं छेड़ा। तो धर्म जो है वो रक्षा भी करता है, बड़ी रक्षा करता है। जो धार्मिक आदमी होता है उसकी बड़ी रक्षा होती है। और इसीलिए जब मैं पढ़ती हूँ कि बहुत सारी औरतें हैं उनको लोग परेशान करते हैं, तंग करते हैं और ये करते हैं, उनका अगर धर्म जागृत हो जाए तो कोई आदमी उनको परेशान नहीं कर सकता, क्योंकि उस पर वो असर करेगा, वो भागेंगे वहां से, कभी कोई उनको तंग नहीं कर सकता। तो धर्म बहुत जरूरी है क्योंकि वो आपकी रक्षा है। और दूसरी चीज उसमें है धर्म की विशेषता, इसको कि आपके इसमें वेदों में लिखा है कि स्वाहा और स्वधा दो गुण है। तो पहले तो हुआ स्वाहा और स्वधा,
मैंने धारणा करना, वो तो स्वधा हो गया। और स्वाहा, तो स्वाहा जो है वो मतलब ये कि जो चीज है उसे आप नष्ट कर देते, जो गलत चीज है खा के खत्म नष्ट कर देते। तो दोनों शक्तियां धर्म में है कि धर्म जो है जब खड़ा हो जाता है तो जितनी दुष्ट शक्तियां जितनी नेगेटिविटी है उसको खा लेता है। तो ये उसके तत्व की बात है, स्वाहा और स्वधा। अब यहाँ जो चक्र है मन, मन का चक्र, इसके जैसे शुरुआत हुई तो जैसे भू भूर स्वाहा स्वधा, भू से बना है पहला चक्र, भूर माने अंतरिक्ष से बना है दूसरा चक्र, और तीसरा चक्र बना है आपका स्व स्वधा और स्वाहा, ये दो उसके तत्व है। फिर उसके बाद पर वो कार्यान्वित हो जाते हैं, मेरा मतलब है कि ये सारे तत्व कार्यान्वित होते हैं तो वो स्वाहा कर देते, जैसे एयरपोर्ट में उन्होंने स्वाहा कर दिया सब, अब सब बैठे हैं क्या करें। उसके बाद जो मन था, फिर मन, फिर जन, फिर यहाँ पर तप और फिर सत्य, ऐसे हरे चक्र के तत्व हैं। और उसी चक्र को जब आप जागृत कर देते हैं तो वो अपने तत्व को भी इस तरह से इस्तेमाल करते हैं चक्र कि उसके सारे दूर उसका प्रादुर्भाव दिखाई देता, आप देखते हैं कि वो चक्र वहाँ कार्यान्वित था। अब जब मन हुआ, ये तो बड़ा महत्वपूर्ण है, मन, मन जो है ये है आपके अंदर बसी हुई करुणा, सद्भावनाएं, दूसरों के प्रति प्रेम, ये मन से होता है। तो ये चक्र से जब कुंडलिनी गुजरती है तो ये विशेष स्वरूप उसको देती है। तो ऐसा मनुष्य जो है वो मन से शुद्ध हो जाता है, उसके मन में किसी कल छल कपट कोई चीज नहीं रहेगा, एकदम उसको शुद्ध कर देती है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये मन की जो शक्ति है ये बड़ी जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त, ये जबरदस्त है कि अगर आपको किसी ने तकलीफ दी तो फिर पता नहीं कैसे ये शक्ति कैसे कार्य करती है। आपको कुछ परेशान होने की बात ही नहीं, किसी को शाप देने की जरूरत नहीं, किसी कुछ करने की जरूरत नहीं, अपने आप उस आदमी वो ठिकाने आ जाता है और आ करके आपसे माफी मांग लेगा। ये मन की शक्ति बड़ी जबरदस्त है और इसी से मनुष्य के स्वभाव में बड़ा बदल आता है, क्योंकि ये माँ की शक्ति है, माँ की शक्ति है मन। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप इस माँ के विरोध में कार्य करते हैं, अपने अंदर दो शक्तियां कार्य करती हैं जो गलत हैं, एक तो ये कि जो बाप के विरोध में है, पिता के विरोध में, और एक है माता के विरोध में। पिता के विरोध में यही है चोरी चकारी, ये सब पिता के विरोध में, मतलब ये कि मनुष्य सोचता है कि मैं संरक्षित नहीं हूं। दूसरी है माँ की, उसके विरोध में मैंने इमोरालिटी, ये जब ये कार्य करते हैं तो ये इम्यून कहते हैं ना, इम्यून सिस्टम हमारे अंदर है, ये जो यहाँ पर इम्यून सिस्टम होती है वो खराब जाती है, उससे ये सारी तकलीफें शुरू हो जाती है। जब आप माँ के शक्ति के विरोध जाते हैं तो ये इम्यून शक्ति जो है ख़त्म हो जाती है और इम्यूनिटी ख़त्म हो जाती है। उस पर अभी लिखने वाले एग्जाम हो गए। अब जो है उससे ऊपर का चक्र जो है इसको ठीक है।